अब शाने आपका बहुत बहुत परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है, थैंक यू सर। और हम ये चाहेंगे कि वेलकम मैम। ये गुड सभी इवनिंग सभी मैम। गुड सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। और देखिए गुड इवनिंग आप लोग से छोटी भी हैं ये, बड़ी प्यारी भी हैं, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि अगली आवाज़ जो है वो अभिशानिया की रहेगी, और ये आप लोग को देखिए अभिशानिया जो ये स्टूडेंट हैं, ये जी अनअकैडमी जुडिशरी के स्टूडेंट हैं और जी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं, और ये स्टूडेंट वो हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और इनमें से कुछ लोगों ने प्री निकाला, कोई मेंस दे रहा है, कोई इंटरव्यू तक जा रहा है, किसी का भी प्री भी नहीं निकला है, यानी कि ये तरह तरह के हैं, जैसे कि हम लोग बोल चाल में कहते हैं खिचड़ी, ठीक है। कोई बात हाँ तो नहीं सर। हाँ तो अब अगली आवाज़ जो है हमारी बंद होगी, अगली आवाज़ जब होगी अभिशानिया की, जो आप लोग को आज का मोटिवेशन लेक्चर देंगी, अगली आवाज़ अभिशानिया की। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड आई रियली होप कि इस आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले और इसके द्वारा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जाने पाए। तो मैं एक यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा भी रही हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस मेरे पास आते हैं उसमें स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिकॉलिंग की कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें वो चीजें याद नहीं आती हैं, या तो फिर याद आती भी है तो बिट्स एंड पीसेस में आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर मैंने एक दिन कोई चीज पढ़ ली तो मैम नेक्स्ट डे वो चीज याद करने मुझे दिक्कत आती है। ये चीज मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग प्रिपरेशन में रहते हैं उनके साथ हमेशा होती है आपके साथ जी। तो ये रिकॉलिंग पावर में दिक्कत क्या आ रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप चीजें सीख तो अच्छे से रहे हैं, पढ़ भी अच्छे से रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हर रोज क्लासेस कर रहे हैं, स्टिल आप उन चीजों को रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे, आप उनको याद क्यों नहीं कर पा रहे, रिकॉलिंग में दिक्कत क्या आ रही है? तो रिकॉलिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बहुत छोटी सी चीज की मेमोरी कैसे बनती है। ठीक है, तो मेमोरी बनने के 3 स्टेप होता है। एक होता है इनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है रिट्राइवल जिसको हम रिकॉलिंग भी कहते हैं। तो इनकोडिंग में क्या हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देखी, उसको सुना, उसको सीखा, तो जब सीखता है ब्रेन तो उसको हम कहते हैं इनकोड करना, उस इंफॉर्मेशन को लर्न करना। सेकेंड स्टेप आता है इसमें स्टोरेज जिसमें आप वही इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, उसको अच्छे से याद करते हैं। तीसरा स्टेप है रिट्राइवल या तो फिर रिकॉलिंग जिसमें कि आपको वो जो सीखी हुई इंफॉर्मेशन है जब भी आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ब्रेन आपको वो इंफॉर्मेशन को याद कराता है। तो दिस इज हाउ योर ब्रेन बेसिकली फंक्शंस एंड दिस इज हाउ यू रिकॉल योर स्मॉल लिटिल मेमोरीज। अब जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक फिनोमेना है जो कि साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली व्हेन इट कम्स टू देयर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। उस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी होती क्या चीज है, ये फिनोमेना ये कहता है कि कोई भी चीज को अगर आपको रिकॉल करना है, वापस से याद करना है, तो आप इसी एनवायरनमेंट में जाके याद करें, सिमिलर एनवायरनमेंट में जाके याद करें जहां आपने उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहली बार सुना था या याद किया हो। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप में से कितनों को जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपकी सर की याद आती है, सर की आवाज की याद आती है, या वो पेपर में लिखी उस पढ़ने की याद आती है जिसमें आपने नोट्स लिखे थे। बहुत लोगों के साथ होता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये होता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, क्लासरूम की याद आना, क्योंकि आपने जिस एनवायरमेंट में पेपर दे रहे हैं वो वैसे ही सिमिलर एनवायरमेंट में आपने उस इंफॉर्मेशन को याद किया था। तो ये एक हो गया कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। इसका बहुत डे टू डे बेसिस पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल की तरह आप ये ले सकते हैं कि ये सबके साथ हुआ होगा कि हम कोई कमरे में कोई एक चीज सोचे कि ये लेके आते हैं और जब तक हम दूसरे कमरे में पहुंचे हम भूल गए कि हमें चीज क्या लानी थी, थोड़ी देर में कमरे में वापस आए तुरंत याद आ जाती है। ऐसा क्यों? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी की वजह से, क्योंकि जब एनवायरमेंट हमारा सेम आया, सराउंडिंग हमारा सेम आया तो रिकॉल हमारा तुरंत हो जाएगा। ये चीज मुझे लगता है सबने अपनी जिंदगी में एक बार तो नोटिस करी होगी। दूसरा फिनोमिना होता है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। एक तो हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ की बात हो गई, दूसरी बात होती है स्टेट की, और ये स्टेट है क्या, ये स्टेट आपका इमोशनल या आपका बॉडीली स्टेट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस तरह के मानसिक रूप में है
उस टाइम का आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, रिलैक्स्ड हैं, नींद आ रही है, हो क्या रहा है? तो ये जो स्टेट ऑफ स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी होती है, इसका बेसिक सा तरीका यही होता है कि हमें चीजें तब अच्छी तरह से रिकॉल होती है जब हमारा बॉडीली स्टेट सेम होता है या हमारा मेंटल और इमोशनल स्टेट सेम होता है। तो आप में से सबने एक ना एक बार अपनी जिंदगी में ये पक्का सुना होगा कि पढ़ाई सबसे अच्छी तभी होती है जब हम टेबल चेयर पे बैठ के करते हैं। सुना है? सुना तो होगा, सभी ने सुना होगा। टेबल चेयर पे पढ़ो बेटा तो सबसे अच्छे से तुम्हें सब चीजें याद होंगी। क्यों याद होंगी? क्योंकि आपको जब एनवायरमेंट सेम मिलेगा तो पेपर जब आप लिखने जाएंगे वहां पर भी तो टेबल और चेयर पर ही बैठ के पढ़ना है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही होगा। दूसरी चीज बोली जाती है सीधे उठ के पढ़ो, स्ट्रेट बैठ के पढ़ो, फोन हटा के पढ़ो। क्यों? क्योंकि पेपर के समय ना आपके पास फोन होगा, ना आप रिलैक्स वे में लेट के पढ़ सकते हैं, ना आप इधर उधर किसी भी एंगल में बैठ के पढ़ सकते हैं। तब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, एक डिसिप्लिन में चीजें देखनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट और हमसे छूट गया। 2 मार्क्स के नंबर भी हमें उनको भी इस तरह से करना पड़ता है अपने टाइम को मैनेज कि हम उनको भी अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहली तो ये कि आप सब अपने घर में एक जगह कोई ले, एक जगह, 2-3 जगह नहीं जहाँ आप हर रोज बदल बदल के पढ़ाई करें, एक जगह ले जहाँ आप हर रोज सेम टाइम पे ट्राई करें, वो टाइम क्लास का है या पेपर का वही वाला टाइम है, वहां बैठ के आप उस चीज को पढ़ाई करें ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना आए जब आप पेपर देते हैं। क्योंकि रिकॉलिंग की दिक्कत ही होती है, जब आज मैंने यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करी, यहाँ बैठ के अपनी क्लास देखी, कल मैं कोई और जगह जाके पढ़ने लग गई, कोई और जगह जाके देखने लग गई, तो चीजें पुरानी वाली याद कैसे आएगी जब हमारा एनवायरमेंट ही बदल गया, है ना? बहुत लोगों को नींद नहीं आती है अगर उनका कमरा बदल जाता है, होता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। तो साइकोलॉजी में ये 2 फिनोमेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज को जानने में कि हम चीजों को जल्दी से याद कैसे करें, उनको रिकॉल कैसे करें। आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, मॉक पेपर से पहले एक ही जगह बैठिए, वहां बैठ के आप पढ़िए और अगले दिन आप खुद देखेंगे कि मॉक में चीजें ज्यादा याद आ रही हैं। डोंट ट्राई टू चेंज योर प्लेस टू मच। तो एक तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को रिकॉल वाली, तो रिकॉलिंग की तो सोल्यूशन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये कि अब लाइफ में हम इस एज में है, इस स्टेज में है कि हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे घर में कौन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्यों? इससे पहले तो बेसिक एजुकेशन था, उसमें तो कुछ भी नहीं करना रहता था, कॉलेज गए, पढ़ाई करे, आ गए। बट जब प्रिपरेशन की बात आती है तो प्रिपरेशन का टाइम वो होता है जब आपके पास अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं मैम, पर पढ़ते पढ़ते हमें याद तो चीजों की दूसरी आने लग जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमें क्या करना है उसकी याद आने लगती है, या हम नौकरी करने जा रहे हैं तो जॉब पे आने के बाद फिर हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें बेसिक सा सोल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज में इतना इंडल्ज हो गए हैं, इतना इंग्रॉस हो गए कि आप खुद को भूल चुके हैं। आप खुद के बारे में याद करने की कोशिश करें कि आपको क्या सही लगता है। व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने वालों में से हैं, आप दिन में पढ़ने वालों में से हैं, रात में पढ़ने वालों में से हैं कि शाम को पढ़ने वालों में से हैं। 2 तरह के कैटेगरी के लोग मैंने जीवन भर देखे, एक वो जो कि बहुत जल्दी सुबह उठते हैं भोर के समय में, जब सब चीजें शांत होती है उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल तब बहुत अच्छा होता है, बहुत फोकस्ड रहते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। दूसरे लोग होते हैं जो कि रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि रात में हर तरह शांति होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। तो आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी सूटेड लग रही है जहां आप पढ़ाई कर पाए, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, आप अपना टाइम निर्धारित करें क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी तरह से देखना पड़ेगा कि मेरे जॉब के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, सब कुछ को मिला के पढ़ने का टाइम क्या मैं बनाऊं जिसमें मुझे दिक्कत ना आए। तो पहला पॉइंट था अपने आप को समझना। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मोटिवेशन की, कि बहुत बार हम जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन ही नहीं आता है। तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। पहला टिप तो मैं ये दूंगी कि आप एक जर्नल बना सकते हैं, डायरी में नहीं एंट्री करते हैं तो एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपने गोल्स के बारे में लिखें।
सारे गोल्स के बारे में लिखिए कि ये मेरा गोल है, इसको अचीव करने से मुझे क्या मिलेगा और दूसरा हमारी फैमिली को क्या मिलेगा, क्योंकि इंडिया में रहते हैं हम सब फैमिली ओरिएंटेड है, हमारा परिवार हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट का चीज होता है, दैट इज आवर प्रियोरिटी। तो आपके अंदर मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने गोल्स डिसाइड कर लें, गोल्स डिसाइड करके गोल को अटेन करने का मोटिवेशन भी आ जाएगा, क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि ये गोल मैं अचीव कर लूंगा या कर लूंगी तो उससे मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे घर वालों के लिए क्या फायदा है, तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली बूस्ट रहोगे हर रोज पढ़ाई करने के लिए, आपके अंदर मोटिवेशन जगेगा। एक ये टिप। दूसरी टिप है कॉम्पिटिशन की। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक बहुत फेमस थ्योरी है बैंडूरा की जो लर्निंग में सिखाती है, उसका नाम है मॉडलिंग। मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके कैरेक्टर से जो हमारे एज ग्रुप का हो या जिसकी कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसकी तरह हम बनने चाहते हैं ना, हम उनको एडमायर करते हैं और उनको एडमायर करने के बाद हम अपने एक्शंस भी उन्हीं की तरह चलाना चाहते हैं क्योंकि हमें उनकी तरह बनना है। तो इसमें कॉम्पिटिशन का रोल इस तरह से प्ले होता है कि अगर आपके पास अपने हम उम्र का या कोई आपका दोस्त है या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सक्सेसफुल और आपको उनकी तरह बनना है, आप कोशिश करें कि आप उनसे उनके साथ कॉम्पिटिशन करके पढ़ाई कर पाए, बिकॉज एन हेल्दी अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन इज वेरी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस टू बूस्ट अप। थोड़ा कंपटीशन रहेगा, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस बुरी चीज तब बनती है जब वो हद से ज्यादा होती है, जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, पर अगर स्ट्रेस आपके कंट्रोल के अंदर है, थोड़ा बहुत है, तो उससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जब एग्जाम की डेट पास आती है, प्रिपरेशन वही जो हम एक दिन लगा देते पढ़ने में एक पन्ना, वो हम जल्दी से एक आध घंटे में पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है, हमें बूस्ट कर रहा है। तो इसीलिए एक कोई फ्रेंड, क्लासमेट, आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, आप इनके साथ कंपटीशन रखें, साथ में पढ़ाई करें, ये देखें कि उनको कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपकी क्या कमी है, मे बी आप किसी और को एडमायर करें, और उनके साथ साथ आप अपनी स्टडीज को, अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करें। कोशिश करें कि जिस तरह से वो कर पा रहे हैं, वो एक टॉपिक में बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें अच्छा हूं, तो मैं क्या करूं, क्या किस तरह से वो अपने आप को बूस्ट करके पढ़ रहे हैं कि मैं भी कर पाऊं। तो ये बेसिक सा चीज हो गया कि आप किसी दोस्त या किसी क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ पाए। नेक्स्ट चीज आती है डिसिप्लिन। जैसे मैंने बोला, आपको अपना एक हर रोज का रूटीन सेट करना है। आप एक बार में अगर पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का रूटीन ट्राई करेंगे भी तो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, हर रोज हम किसी नए से मिलते हैं, कुछ नया काम करना पड़ता है। तो टेक्निकली आप बस एक दिन का रूटीन सेट करें, हम कब उठेंगे, हम कब क्या करेंगे, कब हमें परिवार को टाइम देना है, कब अपनी स्टडीज को देना है, कब प्रिपरेशन को देना है, कब हमें जॉब पे जाना है, एक ही छोटी छोटी चीज को आप एक दिन का अच्छे से टाइम टेबल बना लें एंड ट्राई करें कि हम उसको फॉलो करें। फॉलो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर होगी कंसिस्टेंसी, कि हम एक चीज को हर रोज करने पाए। एक बार आदत डल जाएगी तो आपके लिए वो चीज बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज मैं ये कहूंगी कि अपने आप को हर सक्सेस के लिए रिवॉर्ड दे। यहाँ पे जैसे सर ने बताया, हर इंसान यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू हो गया, कुछ लोगों का प्री हो गया, कुछ लोगों का फाइनल हो गया। ये छोटी छोटी चीज भी अचीव करना पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी या जिन्होंने इन चीजों को कभी अचीव नहीं करा होगा। So try to reward yourself for these small little things. अपने आप को बूस्ट करें कि मैंने इतना तो किया, मैंने कुछ तो नया सीखा। एंड लास्ट चीज तो मैं यही कहूंगी कि फेलियर से कभी नहीं डरिएगा। फेलियर इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। चिड़िया को हम हमेशा से देखते आए हैं, इतनी सारी चिड़िया है इंडिया में। सब लोग जब अपना घोंसला बनाती है तो ढेर सारी ट्विग्स इकट्ठा करती है, सामान इकट्ठा करती है। हवा चली, थोड़ा सा बना, गिर गया, फिर हवा चली तो फिर गिर गया, कोई एनिमल आके दूसरा गिरा दिया। बट चिड़िया अपना घोंसला तो पूरा कंप्लीट करती है ना, उसी प्रकार आपको अपनी प्रिपरेशन भी कंप्लीट करना है। आप भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है, मेरा ये डिजायर है। आप सबके अंदर ये डिजायर है कि आप प्रिपरेशन करें, तभी तो आप यहाँ प्रेजेंट है, तभी तो आप इस सेशन में है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये कर पाने की इच्छा है। तो आप अपने आप को इसी प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं ये जान के कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये डिजायर है करने का। छोटी छोटी मिस्टेक में भी ये सीखे कि ये आज हुई तो कल नहीं होगी, और छोटे छोटे भी सक्सेस में अपने आप को रिवॉर्ड दे। थोड़ा सा नंबर बढ़ गया मॉक टेस्ट में, इट्स अ गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज यू लर्न समथिंग न्यू। आपने कुछ नया सीखा, कुछ गलतियां हुई होंगी जिससे अब आपने सीख लिया कि अच्छा, ये गलती हुई थी तो मैं फाइनल टेस्ट में नहीं करूंगा।
तो यही कुछ छोटी टिप्स थी, ट्रिक्स थी, एंड आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुए इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो ऑन योर डे ऑफ एग्जामिनेशन. अब अगर आपको कुछ भी इन पॉइंट्स में से पूछना है तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मेरा नाम नीरज है और मैं ये जानना चाहता था, बाकी लिखते उखते टाइम तो मुझे मतलब कुछ नींद वींद नहीं आती है, लेकिन मैं ऑल्सो आप एक चीज ये नोटिस करिए कि आपको नींद कब आती है, जब आप सुबह पढ़ते हैं तब आती है, दिन में खाना खाने के बाद सुबह आती है कि पंद्रह रात में आती आती है है, क्योंकि टाइम बहुत किसी भी इम्पोर्टेंट. टाइम, मतलब मैम किसी भी टाइम आती है, लेकिन लिखता हूँ तब नहीं आती है. लिख तो किसी भी टाइम, मतलब रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जितना भी टाइम, लेकिन लिखते टाइम नहीं आती है. तो आप कोशिश करें कि आप लिख लिख के पढ़ें. लिख लिख के पढ़ने से एक डेफिनेशन आपने सुनी, उसको आप लिखिए. क्लास में अगर आप हैं तो आप नोट्स बनाते रहें. क्यों? क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, हमें याद आते हैं वो पन्ने जहां पे वो आंसर था, आता है, क्योंकि हमारी मेमोरी उसी चीज को स्टोर कर ली. तो आपको अगर नींद आती है पढ़ते टाइम तो कोशिश करें कि पहली चीज तो चाय कॉफी कुछ पी लीजिए, दूसरी चीज एक सही टाइम टेबल बना के एक जगह सेटअप करिए कि यहाँ मैं बैठ के पढ़ूंगा लिखूंगा, यहाँ कोई डिस्टरबेंस ना करे. जिनकी ज्वाइंट फैमिली है थोड़ा दिक्कत होता है कि हम जगह अपने लिए अलग से नहीं रख पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप उस टाइम को अपना स्टार्टिंग टाइम बनाएं जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, या वो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो या तो फिर वो बहुत लेट नाइट हो, या जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल होता हो. आप एक जगह सेट करें, वहां पे पढ़ाई करें, एंड कोशिश करें कि आप लिख लिख के पढ़ लें. जो भी मेथड आपको सही लगता है आप उसको कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम सब बहुत यूनिक हैं और सबके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है. ये तो आपका टैलेंट है कि आप लिख के अच्छे से सीख लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप इस तरह से नए नए तरीके ढूंढें कि आप किस तरह से लिखने की आदत को अपने पढ़ाई के शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. चलिए गुड अगला किसको पूछना है आप में से? इवनिंग गुड इवनिंग. मैम, माय क्वेश्चन इज दैट जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, 2 महीने बाद कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है और डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ऐसा क्यों? डिस्ट्रैक्शन इसीलिए होता है, मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए ना कि लोग यूजुअली क्या करते हैं, पढ़ने तो बैठते हैं पर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं. डिस्ट्रैक्ट इसलिए होने लगते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन थोड़ा लो होता है. जब तक आप अपने आप को अपने गोल्स के बारे में याद नहीं दिलाएंगे तब तक आपका मोटिवेशन लो ही रहेगा. आपको क्या करना है, आपको पहली चीज अपने गोल्स को लिखना है. जब तक आप कोई चीज को सामने नहीं देखते तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा. एक बड़े से कागज में लेके अपने गोल को लिखे, उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, वो लिख के जहां पे भी आप पढ़ते उसके सामने चिपका ले. जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो आप उसको देखा फिर आप पढ़ाई करें. ये नहीं कि मैंने उसको देखा फिर मैं पैनिक होने लगा कि अब मैं पढ़ू कैसे, मेरे से तो पढ़ते नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. पढ़ने में टाइम लगता है, जब तक आप अपने इन्वायरमेंट में से उन एक एक चीजों को हटा ना ले जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तब तक पढ़ने में दिक्कत होती है. एक दिन नहीं होगी पढ़ाई, 2 दिन नहीं होगी, पर तीसरे दिन से होने लगेगी. तो अभी मैंने बोला ना स्ट्रेस ऑप्टिमल लेवल का अच्छा होता है कि उससे परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो थोड़ा स्ट्रेस इज गुड, बहुत ज्यादा मत होने दीजिएगा. एंड ऑटोमेटिकली यू विल नोटिस कि अगर एक जगह बैठ के हर रोज पढ़ने हैं, जहां पे आप पेपर लिखेंगे ना सेम सेम टाइप का एनवायरनमेंट बना लीजिए, टेबल कैसी रहेगी, चेयर कैसी रहेगी, शांति रहती है कि कुछ लोग बात करते हैं, तो आपकी अपने आप पढ़ाई अच्छी होने लगेगी. बहुत लोग होते हैं जिनको गाना सुन के पढ़ने की बहुत आदत होती है पर वही गाना आपको पेपर लिखते वक्त नहीं मिलता है, तो आपको याद तो आता है पर याद आती है गाने की लिरिक्स ना कि जो आपने पढ़ा था. क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट और स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी का रोल होता है कि कोई भी चीज याद दिलाना है तो सेम स्टेट में हो इंसान या सेम कॉन्टेक्स्ट में बैठा हो. तो आप अपने आप को धीरे धीरे के मोटिवेट करिए, कोई एक दोस्त ढूंढ लीजिए या कोई एक क्लासमेट के साथ आप बैठ के पढ़िए और उससे हर रोज डिस्कस करिए कि उसके कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए. जहां आपको पता चलेगा इसने मुझसे ज्यादा पढ़ लिया अपने आप मोटिवेशन आएगा, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वर्क्स बेटर व्हेन ही इज अंडरस्टैंड. मोबाइल यूज करना चाहिए कि नहीं? मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मोबाइल. अगर आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इंटरनेट बंद कर दें. इंटरनेट पर बंद करके आपको अगर कोई भी चीज ढूंढनी है आपने तुरंत ढूंढी और उसको बंद कर दें. कोशिश करें कि टाइम जो मोबाइल में आप लगा रहे हैं पढ़ाई करने के अलावा वो एक सेट टाइम पीरियड अपने आप को दे दें.
ठीक है, अब फिर इसमें ये आप कर सकते हैं एक काम कि आप इंसेंटिव नाम की चीज होती है, इंसेंटिव क्या होता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट में से कुछ एक चीज होती है। अगर आपने मोबाइल इतनी देर यूज नहीं किया तो आप कोशिश करिए कि आपको जो भी अच्छा लगता है आपने वो खा लिया, या आप उतना टाइम पीरियड में पढ़ ले। तो जब आप अपने आप को किसी भी तरह से रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू लर्न करने में हेल्प करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लर्निंग स्किल बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अमन आप कुछ पूछ रहे थे। वेलकम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअसली हमारी पढ़ाई कंसंट्रेशन लेवल कितनी देर तक रहता है? अगर हम एक बार बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हमें कंटिन्यूअसली कितना मतलब पढ़ना चाहिए, टाइम कितना देना चाहिए? पहली चीज तो ये कि हर इंसान एक अलग तरीके से बना है, जो मेरा पहला पॉइंट था नो योर सेल्फ, वो इसीलिए था, हम अपने आप को भूल जाते हैं। आपका एक सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, फोकस आपका 100% लगेगा। कुछ होते हैं जो आधे घंटे में ही एक घंटे की चीज पढ़ लेते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से बन गया, फिर उनका माइंड क्या हुआ, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप कोशिश करें कि आप कुछ जितनी देर पढ़ते बन रहा है अच्छे से पढ़ते बन रहा है, उतनी देर आप पढ़े, उठे, ब्रेक ले, खाए पिए, कुछ थोड़ा टहले, फिर वापस आके पढ़ाई करें। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि मैं एक कोई सेट वो नहीं बोल सकती कि इतनी देर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है, कितनी देर आप पढ़ने में आपको कितना समझ में आ रहा है ये तो आप बेहतर जानेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बारे में जानें, क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या आपके डाउन साइड्स हैं, कितना आपको कौन से टॉपिक में बेनिफिट है, उसमें आपको ईजिली हो जाता है, कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कितनी देर में आपका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता है, कितनी देर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको अपने लिए इसीलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है ताकि आप अपने बारे में जाने और वही वही काम करें जिससे आपको बेनिफिट हो। एक नॉर्मल स्केल ला के अगर हर बच्चे को स्केल में लगा दे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप अपने आप को समझेंगे और अपने नीड्स के बेसिस पे आप अपने दिन भर के टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम। जी सुरभि। जी मैम, आई वांट टू आस्क यू, रियली थिंक व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस? यस, आई डू बिलीव इन दैट। ओके मैम, बट डोंट यू थिंक दैट इज स्टडी, बट देन एवर अनफॉर्चूनेटली गेट स्ट्रेस एंड वी बिकम एंग्री। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज सही से सुनाई नहीं पड़ रही। जो भी माइक को अपने नजदीक रखो आप, तब सुनाई पड़ेगा। माइक को नजदीक करो। ओके मैम। जी जी। मैम, आई से दैट व्हेन एवर वी स्टार्ट स्टडी वी गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई कोस्ट कम एंग्री विद समवन। आवाज कट गई। सुबह आवाज नहीं रही। नहीं तो भी आप अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेज दो तो हम सेंड कर देंगे। आप प्रॉब्लम को जो थोड़ी समझ में आई वो ये आई कि लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या वो कोई और प्रॉब्लम में इनग्रॉस हो जाते हैं। तो ये कहना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। बेसिक सी बात यह है कि इफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आपको दूसरी चीजों पर दिमाग जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत ले आए तो आप उसको ले आए, या तो फिर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं बाद के लिए। अपने आप को आप इस तरह से मानसिकली मेंटली आप अपने आप को इस तरह से ट्यून करें कि इतनी देर मेरे को पढ़ाई कर लेने दो, इसके बाद जो सोचना होगा, जो भी दिमाग में चीजें चल रही है, मैं इसका सोल्यूशन इतनी देर के बाद लगाऊंगा। ये एक टेक्निक होती है साइकोलॉजी में जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन तो करते हो बट हाँ उसके साथ डील करना जरूरी है। कोई चीज दिमाग में चल रही है तो उसको आधे में नहीं छोड़ना है, मगर पढ़ाई का टाइम आप निर्धारित करें, उतने में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से जितना हो सके उतना आप रोके, अपना पढ़ाई कर ले, फिर जो भी दिमाग में चीजें चल रही है आप उसको भी समय दें। ब्रेक लेना, बाहर जाना, खाना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मगर पढ़ाई is of utmost importance। और पढ़ाई तभी हो पाती है जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है, आपको पता है कि हमारा दिमाग यहाँ बैठ के अच्छे से लगता है, यहाँ पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, इस समय पे अच्छे से हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपना एनवायरनमेंट अच्छे से सेट करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी ना हो।
आप में से नेक्स्ट कोई जल्दी बोलिए। मैडम नमस्कार जी। नमस्ते सर, हम बिहार चंपारण से बोल रहे हैं। मुझे गुस्सा कभी कभी अचानक आ जाता है, ये कोई प्रक्रिया, ऐसा क्यों होता है? गुस्सा क्यों होता है अचानक से? पढ़ाई करते हुए आता है कि आप अलग से पूछ रहे हैं? ऐसे व्यवहारिक और स्वजन के प्रति ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा क्यों होता? इसके प्रति स्वजन अपने घर में। अच्छा, तो उसका मतलब अपने मित्रों के कि जो आप करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि उनके वजह से नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं मगर हो सकता है आपके घर में इतना डिस्टर्बेंस है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जिनके पास इतना दिक्कत हो रहा है ना कि घर में बैठ के हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें बाहर निकल के पढ़ना है क्योंकि घर में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करता है। आप कोशिश करें कि अपने घर के बगल में कोई लाइब्रेरी ढूंढे, लाइब्रेरी होती है, आप वहाँ आराम से जाएं, पढ़ाई करें, जितनी देर करना पड़े उतनी देर टाइम सेट करके लाइब्रेरी में पढ़े और फिर घर आ जाए। क्योंकि घर में दूसरों पे गुस्सा आने का बस एक ही रीजन होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा इंसान जानबूझ के नहीं करने देता है, परंतु इस वजह से क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको निभाते निभाते अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। कोशिश करें 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर आपको प्रिपेयर करना है आप उतना टाइम अपने लिए अलग रखें। घर पे नहीं हो रही पढ़ाई, बगल में कोई लाइब्रेरी होगी, कोई अच्छी पढ़ने की फैसिलिटी होगी तो आप वहां जाके थोड़ी देर पढ़ाई कर लें। दिन भर पढ़ते रहना कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि उनका दिमाग उस तरह से काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो 1 घंटे में ही 4-5 घंटे का पूरा कंटेंट एक बार में ही पढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। तो कोशिश करें आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें, आपको जो जो काम करना है उसकी लिस्ट बनाएं और आप पहले उन कामों को कर लें। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के लोग तो रहेंगे, उनका उनके साथ आपको टाइम भी स्पेंड करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाना है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को समझें कि मुझे दिक्कत क्या हो रही है, फिर उस दिक्कत का सोल्यूशन निकालें और कोशिश करें कि एक सेट एनवायरनमेंट, सेट टाइम हो और अच्छा कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा, जहां आप बैठ के अच्छे से पढ़ सके, थोड़ा देर ही सही पर पढ़े, उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम होता है, गुस्सा कम आएगा। बधाई हो आपको सर। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं सैयद आफताब जी। जी मैम, मैं अगर कोई चीज पढ़ा, मेरे को याद हो गया, 2-3 दिन याद रहा, 4 दिन याद रहा, मेरे को अंदर से लगे कि मुझे याद है, लेकिन जब सामने वाला कोई दोस्त या कोई भी मेरे से पूछता है तो वो चीज मेरे को भूल जाती है, और जब मुझे भूल जाती तो मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं सब कुछ लगता छोड़ दूं पढ़ाई। जी ये भी एक बहुत कॉमन रीजन होता है, बहुत सारे लोग इस चीज को फेस करते हैं कि उन्होंने एक बार कोई चीज अच्छे से पढ़ी, उनको लगता है कि हमने एक बार पढ़ ली तो वो हमें अच्छे से याद हो गया है। मगर मेमोरी भी 2 फॉर्म की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़ना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में पता है कैसे जाती है? प्रैक्टिस के थ्रू जाती है। जब हम बच्चे थे तो हमको ABCD काका गागा 100 बार मम्मी पापा ने सिखाया था। गणित में 1, 2, 3, 4 हमने पता नहीं ना जाने कितनी बार सीखा है, तब जाके आज भी हमें वो याद है। तो कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़ने से याद हो गई, तब भी आप जब तक उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जिंदगी भर के लिए नहीं जा सकती है। तो कोशिश करें एक भी टॉपिक हो, आपको भले लगता हो कि मुझे अच्छे से याद हो गया, 1 हफ्ते में कोई 1 दिन ले जिसमें आप उस चीज का रिविजन कर पाए। रिविजन करने से, बार बार एक ही चीज पढ़ने से वो चीज जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिक्स हो जाती है, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे फिर और अच्छी होगी। ABCD का सिंपल एग्जाम्पल है, बचपन में जब पहली बार पढ़ाई शुरू करी थी 1, 2 के बाद 3 भूल के 4 बोल देते थे बहुत लोग, पर 100 बार क्योंकि हमारे घर वालों ने सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमारे टीचर्स ने सिखाया, अध्यापक लोगों ने सिखाया, तभी तो जाके आज भी हमें वो चीज बहुत अच्छे से याद है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस बहुत बार करी। रिविजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस मैम, मेरी लड़ाई भी जल्दी हो जाती है। नहीं।
सर गुस्सा गुस्सा जी सर, जी सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैं नीलू सिंह मैम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है कि याद तो सब कुछ होएगा जैसे, लेकिन ऐसे कोई बोले एक्सप्लेन करना, टीचर बोले बोलो जाके, या फिर कोई स्टेज में एक्सप्लेन करने जाना है तो कुछ शब्द ही नहीं निकलते। ऐसा लगेगा कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जैसे पूरा भूल जाएगा, गोल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैम? इसलिए होता है क्योंकि आपको आता तो सब कुछ है, मगर मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये कि आपको स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है। जब 10 लोग सामने बैठते हैं तो इंसान चीजें इसलिए नहीं भूलता क्योंकि उसको आती नहीं है, इसलिए भूलता है क्योंकि उसको स्टेज फियर हो जाता है, लोगों को देख के वो इंसान डर जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप अपने आप को आईने में देख करके बात करने की ट्राई करें, ठीक है? जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसको आप पढ़ लिए, आईने के सामने तो सिर्फ आप ही है ना, आपके अलावा तो कोई भी नहीं देखेगा। आप उसके सामने जा करके उस बात को एक्सप्लेन करके रिहर्स करने की कोशिश करें। एक बार आप वो सक्सेसफुली कर ले बिना डरे बिना शर्माए, स्टार्टिंग बहुत अटपटा लगेगा मगर धीरे धीरे करके जब आपको आदत आ जाएगी ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा काम करें, घर में किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के उनके सामने फिर आप रिवाइज करें, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। छोटे भाई बहनों को, बच्चों को या माँ बाप को, पता किसी को नहीं चलता है, पर पेरेंट्स को भी अगर आप पढ़ाओगे बताओगे अपने कॉन्सेप्ट तो आपको खुद क्लियर आएगा, खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब फिर धीरे धीरे करके आप बाहर जा पाएंगे। क्योंकि ये मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, पर इसलिए क्योंकि आप डर जाते हो। कोशिश करें, रिवाइज करें और एक्सप्लेन करें खुद को। नीलू आपने प्रॉब्लम बताई, पहले देखिए जब ज्वाइंट फैमिली होती थी तो होता क्या था, बड़ा भैया जो है छोटे बच्चों अपने भाइयों को पढ़ाता था, बड़ी दीदी छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसीलिए था। हाँ, तो जब से ये ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हुआ है इसमें ये प्रॉब्लम। देखो आप लोग क्या किया करो, जो आपसे जूनियर हैं छोटे बच्चे हैं आपसे, उनको आप जबरदस्ती देखिए, बहुत अच्छा शानियर बताया कि आप उसको, वैसे तो अगर आप उनको पढ़ाओगे जरूर आपसे पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप उनको पढ़ाओगे देखो कि आपको बोलने की आदत आ जाएगी, ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आएगी। हाँ। जब तक आप अपने को मौका ही नहीं देंगे, कभी आपने अपने को कोई चीज अगर एक्सप्लेन नहीं करी तो आप दूसरे को कैसे कर पाएंगे? तो पहले आप अपने आप को एक्सप्लेन करिए, फिर अपने जो क्लोज लोग जिनके सामने बोलने में आप झिझकेंगे नहीं उनसे पहले शेयर करें, उनको एक्सप्लेन करें कोई भी रैंडम टॉपिक उठा करके जो आपको जिस पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो, उसी से भी पढ़ाई करना सीखते हैं हम लोग। बचपन में सब टीचर टीचर क्यों खेलते थे, इसीलिए तो खेलते थे। वैसे थोड़े दिन और टीचर टीचर खेल लीजिए, आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दूसरों के साथ भी अपने खुद के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। चलिए अगर किसी का और कुछ पूछे, हाँ बोलिए 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 बोलिए। अगर कुछ पढ़ते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे एक काम के साथ चार बातें वैसे चलती रहेंगी माइंड में कि कर कुछ रहे हैं और चल कुछ और रहा, तो ना तो ये अच्छे से हो पाता है ना बहुत अच्छे से हो पाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नॉर्मली होगा ना, अगर कोई भी इंसान को चार चीजें पकड़ने को दे दी जाए, एक चीज तो गिरेगी, एक चीज को तो गिरेगी। अगर किसी को एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में प्लेट, एक हाथ में प्याला, सब चीजें पकड़ा दी जाए तो सब चीज एक बार में कोई नहीं पकड़ सकता है, बहुत ह्यूमन नेचर होता है, ये नॉर्मल सी चीज होती है। अब आप कोशिश ये करें कि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाएं उन स्टेप्स से, उन ट्रिक से जो अभी मैंने आपको सब बताई है। अगर आप देखेंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप उन चीजों को थोड़ी देर के लिए दिमाग शांत करिए, एक सेकेंड रुकिए, तीन की गिनती गिनिए, सांस लीजिए, उन बातों को हटा करके कोशिश करें कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं आप उस पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें। मैं ये नहीं कह रही कि अगर 10 चीजें दिमाग में चल रही तो आप उनको एक बार में सोच के भूल जाएं, नहीं, कोशिश करें कि जो एक काम पहले कर रहे हैं पहले आप उसको अपना 100% दें। 50-50% हर जगह जाएगा तो वो जीरो ही होगा, ना इधर के ना उधर के। कोशिश करिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% इसमें दें, जब आपके दिमाग में 10 तो चीजें चल रही तो एक एक चीज को अलग अलग ला करके उनको अच्छे से कोशिश करें कि समझे, उनका सोल्यूशन निकालने पाए। सोल्यूशन खुद ना निकाल पा रहे तो घर वालों से बात कर ले, या अगर कोई फ्रेंड है तो उनसे बात कर ले। हेलो मैम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे याद सब रहता है और जब पेपर देने गए तो जो वहाँ के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, आखिर हुए क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसा क्यों होता है मैम?
ऐसा इसीलिए होता है, आप क्या एक जगह बैठ के पढ़ती हैं, एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ती हैं कि अलग अलग जगह हर रोज बदलती है? जी मैम, अलग अलग हो जाता है। तो जब अलग अलग जगह हर रोज बदलेगी, तो जब संदर्भ ही नहीं मैच करेगा, जब उसी में मेल नहीं होगा, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा? एक जगह आप बैठे उसको पक्की जगह बनाए। अगर पेपर वाले दिन आप चाय पी के जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, तो चाय पी के नाश्ता करके ही पढ़ाई करें। क्यों? जितना भी सेम चीज होगा ना, जितना कॉमन चीजें आएंगी, उतने अच्छी तरह से आपकी मेमोरी काम करेगी, ठीक है, उतने ही आप वापस से याद कर पाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है कि वो कोशिश करता है कि जो भी चीज हम जब वो इंफॉर्मेशन हमने ली है, तब जो जो चीजें हमारे आसपास थी, वही चीजें वापस आसपास है। कोई चीज आप एक कमरे में लेने जाती हैं, भूल जाती है, वापस उसी कमरे में आएंगी तो आपको वो चीज याद आ जाएगी, इसीलिए याद आती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जगह को, जहां आपको पढ़ना है, जिस तरह से पढ़ना है, उस चीज को आप सेम कर ले, उसको 10 बार ना बदले, तो आपको अपने आप ही पेपर वाले दिन सहूलियत होगी, आप अपने आप ही अच्छे से पेपर कर लेंगे। और कोशिश ये करें कि जो वो जगह हो, वो जितना हो सके उतना एग्जाम सेंटर वाले ही फील दे, ठीक है, जब वैसे ही महसूस होगा तो आपका पेपर भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम हो गया, हम पढ़ रहे हैं जैसे जैसे लिख रहे हैं, जैसी शांति है या थोड़ा बहुत शोर है, उसी हिसाब से कोशिश करें, जितना हो सके उतना कोशिश करें कि सेम हो जाए दोनों चीज, आपको अपने आप चीजें याद आ जाएंगी। थैंक यू मैम। ज्यादा डाइवर्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत सी अब अच्छी बातें थी और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग अपने जीवन में आज से तुरंत अपने जीवन में ले आइए। और इसके साथ साथ कभी भी अगर कोई फिर फर्दर दिक्कत आएगी तो हम फिर कोशिश करेंगे कि अभिशानिया से कि आप लोग के बीच में आएंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग जितनी बातें इन्होंने बताया है, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, आप लोग के पास रहेगा, पूरे जीवन रहेगा, तो आप लोग इसको 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा और इसको और भी लोगों को सेंड करिएगा कि आज हमने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में एक ऐसी मैम से मिले जिन्होंने हमको एनर्जेटिक बातें बताई जिससे हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारे पढ़ने का तरीका बदल गया, तो आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी बहुत बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अभिशानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, और जब ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से इसमें से सेलेक्ट हुए, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट्स, सर पिछले दो वर्षों से अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के क्लास ले रहे हैं। अनअकैडमी की ओर से एक बहुत बड़ा इवेंट्स आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है 13 नवंबर को, संडे को, दिन में 11 बजे। देखिए, इसमें जो कंपटीशन हो रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें 100 स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया जाएगा और इन स्टूडेंटों को प्राइज़ भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी और अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, इनरोल नाउ लिखा हुआ है, और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि आप लोग इसमें अपीयर होइए। इससे आप लोगों को भी प्राइज़ मिलेगा, आपके फ्रेंड्स को भी प्राइज़ मिलेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।